इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हज एक इस्लामी फरीज़ा है, लिहाजा हज के लिए काफ़िले निकलना शुरू हो चुके हैं। कर्नाटक हज कमेटी की जानिब से बेंगलोर से हुज्जाज कराम की रवानगी होती है। शुमाली कर्नाटक के हुज्जाज को बेंगलोर तक का काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ रहा है, लिहाजा इन्हीं दुश्वारियों को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर कर्नाटक होराट कमेटी की जानिब से उत्तर कर्नाटक यानी शुमाली कर्नाटक के हजियों के लिए हुबली में हज हाउस को तामीर करने का मुतालबा बेलगाम DC को दिया। इनका कहना है कि हुबली तकरीबन शुमाली रियासत के 8 जिलों में के मरकज 8 जिलों का मरकज साबित हो सकता है और तमाम हाजियों के लिए सहूलत का ठिकाना भी बन सकता है। बीदर, बेलगाम, कोप्पल, हुबली, बीजापुर, गुलबर्गा के आवाम के लिए हुबली में हज घर की तामीर जरूरी है। तकरीबन 30 से भी ज्यादा रुकन असेंबलियों ने इस हज घर के लिए हिमायती लेटर भी दिया है, लिहाजा जल्द अज जल्द हज घर की तामीर कर हजियों की मुश्किलों को आसान करने में मदद करें, ऐसा मुतालबा बेलगाम DC को पेश किया गया। इस वक्त शुमाली कर्नाटक होराट कमेटी के सदर जनाब अनवर खान बागेवाड़ी, अंजुमन धारवाड़ के सदर जनाब हामिद कोप्पत साहब, उत्तर कर्नाटक हज कमेटी के सेक्रेटरी जनाब मुश्ताक हुसैन फारूकी और अत्तार साहब मौजूद थे। अब देखना यह है कि हुकूमत इसे संजीदगी से लेकर कितना जल्द काम को अंजाम देती है। इत्तेहाद न्यूज देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आज बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उत्तर कर्नाटक का होराट समिति के तरफ से हमें मेमोरेंडम DC को दिया गया आज, तो हुबली को हज हाउस बनाने का मकसद क्या है? अगर बोले तो जो हज सब्सिडी जो बच रही है तो उसके तहत हज भवन का हुबली में होना जरूरी है और साथ में IAS KAS माइनॉरिटी के अवसर पर्टिकुलर मुस्लिम कोटा को इम्प्लीमेंटेशन करने का अवसर जो फंड बच रहा है वो यूटिलाइज होना और 8-10 डिस्ट्रिक्ट वाले हमारे यहाँ सेंटर पॉइंट ऑफ हुबली होने की वजह से सारे लोगों को अवेयरनेस ये है और हुबली एक सेंटर पॉइंट होने की वजह से हर लोगों को सहूलियत का फायदा उठाना ये है। यहाँ पर जो हज भवन हमें हुबली में घुमाना चाहते हैं, इसलिए बोले तो वहाँ पर जो बेंगलुरु में है हमारे जाने के लिए आने के लिए बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर तो इकोनॉमिक भी अच्छा होता है हमारा और साथ ही साथ हमारे जो है 37 MLA जो है इसको सपोर्ट करे सो है, 10 MPs भी सपोर्ट करे सो है और यहाँ पर जो है यह बन गया तो लोगों के लिए भी अच्छा और बिजनेस के लिए भी अच्छा है। असल मुतालबा जो है ये हमारे यहाँ हुबली में हज हाउस बनाने का तमाम हाजियों की सहूलत के लिए एक दूसरा जो इसका जो है यूज जो होगा हमारे जिसमें जैसा कि अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि ASIS की जो है ट्रेनिंग सेंटर का भी अहतमाम हो और वहाँ पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि SC ST भी जो है इसमें तो वो काम करेंगे।